बहुत ही दुखद घटनाक्रम रजौरी के अल्फा गेट के पास हुआ। यहाँ दो होनहार आजाद नीचे कटिए सर और बेकसूर जो नौजवान थे श्री कमल जी और श्री सुरेंद्र जी, इस बहुत ही पीड़ादायक और इस दर्दनाक कष्टदायक इस हादसे में उनकी जो जान चली गई है उससे मन बहुत व्यथित है, आहत हुआ है। दोनों ही बहुत मेहनती नौजवान थे, श्री कमल जी तथा सुरेंद्र जी मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन जिस प्रकार यहाँ एक अनहोनी हो गई, ये बहुत ही कष्टदायक पीड़ादायक ये सारा एक घटनाक्रम हुआ है। जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने और हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने इस सारे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। मेरी स्वयं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से बात हुई है। इस सारे मामले की जो है एक उच्च स्तरीय जांच बहुत ही जरूरी है। मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्रीमान दिलबाग सिंह साहब से भी बात की है और उन्होंने भी इस बात को माना है कि इस सारे मामले की एक बहुत ही उच्च स्तरीय जांच होगी। जो कोई भी इस सारे घटनाक्रम में इस ये जो अल्फा गेट रजौरी में एक दर्दनाक जो हादसा पेश आया है इसमें जो कोई भी शामिल होगा उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। हमारा देश कानून से चलता है, कानून से बड़ा हमारे देश में कोई नहीं। जिसने गलती की होगी या जिसकी गलती पाई जाएगी कानून सबसे बड़ा है और कानून सबके लिए बराबर है। कानून अपना काम करेगा। ये परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। श्री कमल जी और सुरेंद्र जी बड़े गरीब परिवार से आते थे, मेहनत करके अपने परिवार का लालन पालन करते थे। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, इनके परिवार का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग परिवार का किया जाएगा और यहां तक परिवारजनों को इस दुख और संकट की इस मुसीबत की घड़ी में जहां पूरा समाज परिवार के साथ खड़ा है, वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद अभी इस पीड़ित परिवार के बड़े सज्जन व्यक्ति श्रीमान शंभुनाथ जी से खुद बात की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं और विश्वास दिलाया है कि परिवार के साथ न्याय होगा। मैंने खुद जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड जो आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात की है और जो 25 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी हैं उनके साथ भी सारे मामले को लेकर बात हुई है। हमें पूरा विश्वास है जो हमारी आर्मी के स्टैंडर्ड्स हैं पूरी दुनिया के अंदर भारतीय सेना
कि डिसिप्लिन को हमेशा माना जाता है। हमारी सेना हमारी रक्षक है, सेना ने हमेशा देश के लोगों की हम सब की रक्षा की है। चाहे लद्दाख का गलवान हो या कुछ दिन पहले अरुणाचल के तवांग में भी आपने देखा कि किस तरीके से चीन की घुसपैठ को भारतीय सेना ने जो वहां विफल किया और मार मार के चीनियों को भगाया। देश की रक्षा में हमारे सेना के जवानों की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को पूरा देश नमन करता है। और हम मानते हैं कि जो सेना का भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो भी पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगा, और जो हमारी सेना के स्टैंडर्ड्स हैं वो सेना ने हमेशा बरकरार रखे हैं, और इस मामले में भी सेना पूरी ईमानदारी और दयानदारी से काम करेगी। हमें विश्वास है, जिस प्रकार एक साल पहले रजौरी के ही कोटरंका के पीड़ी के दो नौजवान जो कि इसी प्रकार के एक हादसे का शिकार शोपियान के अंदर हुए थे, और उसके बाद भारतीय सेना के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जब उस सारे मामले की छानबीन हुई और जो जो उस मामले में दोषी पाए गए थे, सेना ने उन सब के खिलाफ उस वक्त के आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आर्मी के जनरल होते हैं और रक्षा मंत्रालय ने वहां कोर्ट मार्शल किया था, जो भी उस सारे घटनाक्रम में दोषी करार हुए थे। और हमें विश्वास है कि इस रजौरी के फलियाना अल्फा गेट में जो ये सारी वारदात हुई है, यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर इस सारे मामले की छानबीन करेगी, जिसका जिक्र जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्रीमान दिलबाग सिंह साहब ने किया है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी ये कहा है कि पूरे मामले की पूरी गहराई से छानबीन होगी। और वहीं हमारी सेना के टॉप कमांडर्स, चाहे वो यहाँ के कोर कमांडर हैं या नॉर्दर्न कमांड के हमारे जीओसी साहब हैं, हमें पूरा भरोसा है कि वो भी इस सारे मामले की जल्द एक लिमिटेड पीरियड में इस सारे मामले की छानबीन करेंगे, और जो जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी।